Hello dear students, I Professor Kavita Brahmankar welcomes you to the online practical series of subject GAD. Today we are going to perform practical number 7, that is develop programs to demonstrate use of for each loop in VB.NET. So जैसे ही हमने सी में फॉर लूप पढ़ा वैसे ही है यहाँ पे भी फॉर लूप, बस थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है. इसके लिए हम कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे. सो हम कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे. देन हमारे पास मॉड्यूल आ गया, देन मेन, देन हम इसको अब रिनेम करेंगे. ये हमारे फॉर लूप के लिए है इसलिए हम यहाँ पे नाम देंगे फॉर डॉट जीबी. दिस इज द नेम ऑफ योर प्रोग्राम फॉर डॉट जीबी. अब हमारे प्रैक्टिकल का एम है कि फॉर लूप कैसे होता है वो बताना. तो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि एरे लेंगे, तो एरे को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसमें एलिमेंट कैसे डिफाइन करेंगे वो देखेंगे. उसके बाद एरे के एलिमेंट को हम वन बाय वन कैसे प्रिंट करेंगे वो देखेंगे इस प्रोग्राम थ्रू. सो सबसे पहले मुझे ए नाम का एक इंटीजर नाम का एक एरे, सॉरी इंटीजर टाइप का एक एरे डिफाइन करना है. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी डीम, एरे का नेम है, एरे लिया है मैंने, डीम एरे एज इंटीजर. और ये एरे है तो हमको इसको इस तरह से ब्रैकेट लेना पड़ेगा. और हमको एलिमेंट्स डिफाइन करने के लिए हमेशा हम जैसे ही एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं एरे के वैसे ही कर्ली ब्रेसेस में सपोज हम 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स डिफाइन करके रखेंगे यहाँ पे एरे. ओके, तो ये एरे का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन हो गया इस तरह से. देन नेक्स्ट टाइम मुझे काउंट करना है ना, एक एक एलिमेंट को रीड करना है. तो एलिमेंट रीड करने के लिए मैं एक इंटीजर लेती हूँ आई नाम का, तो डीम आई एज इंटीजर. ये सिंपल वेरिएबल है इसलिए इसके सामने ब्रैकेट्स नहीं दिया है. देन अभी मुझे क्या करना है, एक एक एलिमेंट लेना है एरे का, इसलिए मेरा सिंटैक्स है फॉर, और इसका वर्जन आता है फॉर में ईच. एक कीवर्ड यूज होता है ईच, फॉर ईच. एक एक एलिमेंट देखना है तो एक एक एलिमेंट रीड करने के लिए हमने आई लिया था. सो फॉर ईच आई इन, किसमें, एरे, एरे का ईच एलिमेंट. देन हमको लेना है और उसको प्रिंट करना है, इसीलिए कंसोल डॉट राइट लाइन. इसीलिए हम यहाँ पे कंसोल लिखेंगे, मेरा कंसोल डॉट राइट लाइन. तो क्या प्रिंट करना है हमको, आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे आई. देन एंटर. देन अभी ये तो पहली वैल्यू प्रिंट हो गई, आई इक्वल्स टू वन, मीन्स जो है पहली वैल्यू प्रिंट हो गई. लेकिन हमको वन बाय वन वैल्यू रीड करने हैं और प्रिंट करने, इसलिए हमको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट आर. यहाँ पे जैसे ही मैं फॉर लिखती हूँ वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कीवर्ड ले लेता है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स. तो मैं लिखूंगी नेक्स्ट आर और लास्ट में कंसोल डॉट रीड की और रीड लाइन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे. रीड लाइन ब्रैकेट क्लोज. तो इस तरह से ये होता है प्रोग्राम. तो हमने क्या किया, एरे नाम का एक एरे लिया है इंटीजर टाइप का, उसमें इंटीजर वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 ये स्टोर करके रखे हैं. देन हमको वन बाय वन एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, इसीलिए आई एज इंटीजर लिया है जो कि काउंट करता जाएगा एक एक एरे का एलिमेंट्स. देन फॉर ईच आई मीन्स फॉर ईच एलिमेंट इन एरे, सो कंसोल डॉट राइट लाइन आई मीन्स एवरी टाइम हमको इस आई की वैल्यू और एरे के एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करनी है. सो अब हम इसको रन करेंगे. सो अगर मैं रन करती हूँ तो यहाँ पे प्रिंट आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इसमें प्रिंट दिया है. तो ऐसे ही हम बाकी के प्रोग्राम्स भी डिजाइन कर सकते हैं. हम यहाँ पे अगर ये इसकी रेंज बढ़ाते हैं 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अगर हम लेते हैं
तो भी ये ले लेगा और उतने के उतने वैल्यूज प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे एरे के 10 वैल्यू उसने प्रिंट किए हैं क्योंकि हमने 10 वैल्यू स्टोर करके रखे हैं एरे में। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द फॉर लूप इन वीबी.com। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।